स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में शिवसेना की गुंडागर्दी लगातार जारी है। वैक्सीन पर सियासत करने के बाद अब खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। जी हां, वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पुनेवाला को शिवसेना के गुंडे खुलेआम धमकी देते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि वैक्सीन की आपूर्ति सबसे पहले महाराष्ट्र को की जाए, इसकी मांग शिवसेना के ये गुंडे कर रहे हैं। लेकिन खुलेआम धमकियां और गालियां दी जा रही हैं, जिसका खुलासा अब हुआ है। तो जाहिर तौर पर शिवसेना लगातार वैक्सीन को लेकर सियासत करती नजर आई है। लेकिन अब वैक्सीन निर्माता कंपनी के सीईओ को किस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, किस तरीके से मैसेज और फोन कॉल किए जा रहे हैं और उस पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं आधार पूनावाला, उनकी फैक्ट्री के बाहर शिवसेना के गुंडे इकट्ठे हो गए हैं, जहां लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें गालियां दी जा रही हैं। और खुद एक पत्रकार राहुल कंवल ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि खुद आधार पूनावाला ने उन्हें कुछ ऐसी वीडियो सेंड की है जिसमें साफ तौर पर शिवसेना के ये जो गुंडे हैं, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, लगातार उनके घर से लेकर फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हुए हैं और वैक्सीन सबसे पहले उन्हें दी जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। खुलेआम गालियां और धमकियां दी जा रही हैं। तो इस तरीके से शिवसेना अब लगातार गुंडागर्दी पर उतर आई है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है इस तरीके से जब शिवसेना लोगों को डराने, धमकाने और इस तरीके की गुंडागर्दी पर उतरी हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले महाराष्ट्र में देखे गए हैं जब इस तरीके से खुलेआम शिवसेना की गुंडागर्दी, महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं और मंत्रियों की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। इस तरीके से धमकियां दी गई हैं और अब जिस तरीके से उद्योगपति सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आधार पूनावाला को निशाना बनाया जा रहा है, वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर लोग लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बैठकर सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को डराने और धमकाने का काम ही कर रही है। इससे पहले मुकेश अंबानी को वो डरा चुकी है, धमका चुकी है, जिस तरीके से एंटीरियर विस्फोटक केस सामने आया। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को धमकियां दी जा रही हैं, वो जाहिर तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लगातार कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर रहा है, लगातार उसका उत्पादन देश में हो रहा है। लेकिन इस तरीके से जब शिवसेना की ओर से खुलेआम धमकियां मिल रही हैं, तो आखिर इस तरीके से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे संभव हो पाएगा, किस तरीके से वैक्सीन देश के प्रत्येक राज्य को मिल पाएगी, यही सवाल है कि जब इतना दबाव किसी सीओ पर जो वैक्सीन का निर्माण देश में कर रहा हो, चूंकि तीसरा चरण जो है वो वैक्सीनेशन का शुरू हो चुका है और जाहिर तौर पर वैक्सीन की जो मांग है वो लगातार देश में बढ़ रही है। तमाम जो राज्य हैं वो अपना टेंडर जारी कर चुके हैं, वैक्सीन का जो उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो पाए, इसको लेकर सीरम इंस्टीट्यूट की कोशिशें तेज हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से धमकियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ को मिल रही हैं, वो जाहिर तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती हैं और खुद अपनी जो दर्द है कहीं ना कहीं वो द टाइम्स में आधार पूनावाला ने बयां किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योग घरानों के प्रमुख, कई बड़े लोग उन्हें खुलेआम धमकियां देते नजर आ रहे हैं, कई बड़े लोगों के फोन कॉल उन्हें मिल रहे हैं कि दरअसल वैक्सीन की आपूर्ति सबसे पहले उन्हें की जाए। तो आखिर इस तरीके से किस तरीके से काम हो पाएगा, यह सवाल आधार पूनावाला ने खड़ा किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सब लोग तुरंत वैक्सीन चाहते हैं और सबको पहले वैक्सीन मिले, आखिर यह कैसे संभव हो पाएगा। जाहिर तौर पर एक रणनीतिक तरीके से ही वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है और अब खुद शिवसेना के ये जो गुंडे खुलेआम उनके घर के बाहर, फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हुए हैं, जाहिर तौर पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इस तरीके से उद्योगपतियों को धमकाने की कोशिश शिवसेना आखिर कर क्यों रही है। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने साफ
तौर पर कहा है कि उन पर पूरी तरीके से दबाव बना हुआ है, वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर उस इंटरव्यू में ये कहा है कि उनके ऊपर कितना दबाव इस वक्त है वो जाहिर तौर पर नहीं बता सकते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ये बेहद आक्रामकता और साथ ही असहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं वो जाहिर तौर पर उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो काम लगातार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन के लिए किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये तमाम लोग एक बाधा के रूप में काम कर रहे हैं। अदार पूनावाला ने यह भी साफ तौर पर कहा कि धमकी जिस तरीके से मिल रही है, जिस तरीके से फोन कॉल आ रहे हैं, उसके बाद ही हताशा और निराशा की स्थिति में उन्होंने यह फैसला लिया है कि वो अपनी फैमिली के साथ लंदन आ गए हैं। और जाहिर तौर पर अदार पूनावाला भारत छोड़कर लंदन चले गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन पर प्रेशर इस वक्त बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बेहद दुखदायी उनके लिए हो चुका है जो उन्होंने अपनी कहानी बयां की है आपूर्ति को लेकर। तो फिलहाल जिस तरीके का दबाव कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता कंपनी के सीईओ पर बनाया जा रहा है, उस दबाव का ही ये मतलब है कि वो लंदन अपनी फैमिली के साथ चले गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो यहाँ ज्यादा समय तक इसलिए रुके हैं क्योंकि उन्हें उस स्थिति में फिर से नहीं जाना है जिस तरीके से उन पर सब कुछ कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता जहां आप सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि आप हर किसी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि बदले में वो आखिर क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं जाहिर तौर पर इसी के चलते आदार पूनावाला की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया है। आपको बता दें बुधवार उन्हें केंद्र सरकार की ओर से वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है वो मुहैया कराई गई है और आदार पूनावाला की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की होगी। आपको बता दें केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक लेटर लिखा था जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि दरअसल इस तरीके से धमकियां मिल रही हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। वाई श्रेणी की जो सिक्योरिटी है वो आदार पूनावाला को दी गई है, भारत में रहकर वो इस सिक्योरिटी का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये धमकियां मिल क्यों रही हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र में एक पूरा गैंग मिलकर फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को घेरने में लगा हुआ है और किस तरीके से कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण में एक बाधा के तौर पर काम कर रहा है, फिर चाहे उसमें शिवसेना के नेता हो या फिर तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, जिस तरीके से उन्होंने मिलकर कहीं ना कहीं कोविशील्ड वैक्सीन के जो दाम हैं उस पर कहीं ना कहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को घेरा है। उसमें फरहान अख्तर सबसे ऊपर है, उन्होंने वैक्सीन के दाम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि वैक्सीन के दाम को लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पहले ही सवाल खड़ा कर चुकी हैं, लेकिन हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन के दाम को घटाया गया है। जहां 400 रुपए प्रत्येक राज्य के दाम रखे गए थे अब उसे घटाकर 300 रुपए कर दिए गए हैं। तो यही तमाम सवाल है जिस पर लगातार शिवसेना फिलहाल घिरती नजर आ रही है। लोग लगातार सवाल दाग रहे हैं कि आखिर देश के उद्योगपतियों को इस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार और महाराष्ट्र के ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निशाना क्यों बना रहे हैं। फिलहाल कोविशील्ड का जो निर्माण है आपको बता दें वो पुणे में हो रहा है, चूंकि आदार पूनावाला की जो फैक्ट्री है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निर्माण वैक्सीन का कर रहा है वो पुणे में है और पुणे में लगातार कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। यही वजह है कि अब आदार पूनावाला की फैक्ट्री पर शिवसेना के गुंडे कहीं ना कहीं उन्हें उसे निशाना बनाते नजर आते हैं। लेकिन इस तरीके से वैक्सीन का क्या देश में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा और क्या तमाम देश के लोगों तक वैक्सीन पहुंच पाएगी, ये साफ तौर पर सवाल जो है इसका जवाब शिवसेना के पास नहीं होगा। चूंकि देखा गया है कि कोविड के इस दौर में शिवसेना किस तरीके से गुंडागर्दी करती नजर आई है, किस तरीके से उन्होंने तमाम कोविड संसाधनों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सवाल ही उठाए हैं, जवाब उनके पास नहीं है। फिर चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर जरूरी तमाम मेडिसिन हो या अब वैक्सीनेशन की जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, वैक्सीनेशन पर भी अब केंद्र सरकार को घेरने के बाद अब
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को घेरना की लगातार कोशिश है, लेकिन अदार पूनावाला का इस बीच ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूके में हमारे सभी भागीदारों और हितधारकों के साथ एक बैठक उनकी हुई है। इस बीच उन्होंने ये भी बताया है कि पुणे में कोविशील्ड का उत्पादन जो है वो जोरों पर चल रहा है और कुछ ही दिनों में अपनी वापसी पर परिचालन की समीक्षा करने के लिए वो एक्साइटेड हैं। मतलब देश से बाहर भी किस तरीके से कोविशील्ड का निर्माण हो सके इसको लेकर ही तमाम बैठकें उनकी जारी है, जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लगातार ये कोशिश कर रहा है कि देश के तमाम लोगों तक वैक्सीन पहुंच पाए। लेकिन अफसोस यह है कि देश में कुछ ऐसे राजनेता बैठे हुए हैं गद्दी पर जो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों पर निशाना साधने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं अब इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी एक बड़ी बाधा के तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे सबसे ऊपर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।